Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello and welcome to testbook.com. So, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. यानी कि भारत में एक टाइम रहा जब इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंडल किया वो इंडिया के जो गवर्नर जनरल्स थे उन्होंने उस पूरे प्रशासन को हैंडल किया था. तो आज हम उन्हीं गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी क्वेरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम कवर करने वाले. तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? क्योंकि इंडिया में एक टाइम पे सती सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया, खत्म किया? विच गवर्नर जनरल आउटलॉड सती एंड इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने करी थी? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर विलियम बेंटिक. यानी कि आपके जो विलियम बेंटिक हैं, इन्होंने आपकी सती प्रथा को एंड किया था, साथ ही साथ इंग्लिश की आपके एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था. जो विलियम बेंटिक है ये एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1828 से 1835 तक का टाइम पीरियड भारत में परफॉर्म किया. विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल और कहिए आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद जो था, जो टाइटल एज्यूम किया था किसी गवर्नर जनरल ने, वो विलियम बेंटिक ने किया था. तो अभी आप इतना याद रखो कि विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया किसमें, एजुकेशन सिस्टम में. क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, यानी कि आपकी एक संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, वो टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी, यानी कि किसके समय में हुई थी? क्योंकि ये जो टीपू सुल्तान है, आपने पढ़ा होगा एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, तो आपके सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हैदर अली की डेथ हुई और उसके बाद उसको रिप्लेस किया उसी के पुत्र किसने, टीपू सुल्तान ने. तो टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने एक संधि करी थी जिसे हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि. तो ये संधि में जो ब्रिटिशर्स थे उस समय पे कौन सा लॉर्ड था, एक तरह से ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया. तो आंसर है इस क्वेश्चन का कौन वॉलिस, यानी कि आपके जो लॉर्ड कौन वॉलिस थे, इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी. जो कौन वॉलिस थे, इन्होंने इंडिया में 1786 से 1793 तक का टाइम पीरियड परफॉर्म किया था और पुलिस रिफॉर्म जैसी जो चीज़ें थी, वो पुलिस रिफॉर्म जैसी चीज़ें आपके लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ही लेकर आए थे. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत या शुभारंभ होने के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन. तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर हूज गवर्नर जनरलशिप वॉज द हेटेड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878. 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसमें क्या हुआ था कि देखिए लिखा भी है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1878 में नफरत फैलाने वाला देसी प्रेस अधिनियम, तो ये किसके समय में आया था, ये किसके टाइम पे लागू हुआ था, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं फिर आपको बताते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर था क्या. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा आपके लॉर्ड लिटन. लॉर्ड लिटन के टाइम पर, यानी कि 1878 के टाइम पे जो लॉर्ड लिटन थे उनके टाइम पर आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था. इस एक्ट के थ्रू कहा गया था कि जो भी जो मीडिया पर्सन है वो अपनी इच्छा से कुछ भी चीज़ पब्लिश नहीं करेंगे, अगर उनको कुछ पब्लिश करना है तो वो चीज़ पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्लियर की जाएगी या उसको एक बार रिव्यू किया जाएगा, देन आफ्टर आपकी चीज़ें पब्लिश होंगी. तो इस तरह का एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के ही टाइम पर आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो गांधी जी जब पहली बार जेल गए थे तो उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही साथ आप ये भी याद रखोगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, 1919 का भारत शासन अधिनियम या जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं वो भी इन्हीं के टाइम पे प्रेस हुआ था। और चीज याद रखोगे कि आपका जो वर्ल्ड फेमस रोलेट एक्ट था वो रोलेट एक्ट इन्हीं के टाइम पे हुआ। देन आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर जो था वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में आपकी स्थानीय शासन सरकार या स्थानीय स्वशासन सरकार के पिता या जनक किसको कहा जाता है। सो द आंसर इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे इन्हें आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने ये आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ये कब किया था, तो 1882 के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस लॉर्ड रिपन ने किया था। और चीज़ याद रखोगे वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी कि रिपील्ड करने वाला लॉर्ड अगर पूछा जाए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने ही रिपील्ड किया था। एंड जो फर्स्ट फैक्ट्री बिल था वो आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। और एक बात याद रखोगे कि 1883 में जो लॉर्ड इल्बर्ट बिल था वो भी लाने वाले या उनके टाइम वो बिल आने के टाइम पे लॉर्ड रिपन ही उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवॉलिस वॉज कॉल्ड, यानी कि कॉर्नवॉलिस ने जो जुडिशियल सिस्टम जो न्यायिक प्रणाली को प्रस्तुत किया या प्रेजेंट किया उसको क्या कहा था उस टाइम पर। तो उस टाइम पे उसको कहा गया था जुडिशियल कोर्ट। तो आंसर क्या होगा, जुडिशियल कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द किंगडम ऑक्यूपाइड बाय द बेंटिक विथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति, इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। तो राज्य हड़प नीति के हिसाब से आपके जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने किन राज्यों पर कब्जा किया था। अब ये बात यहाँ याद रखोगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी नॉट द बेंटिक, बट थ्रू दैट लॉ या थ्रू दैट प्रिंसिपल लॉर्ड विलियम बेंटिक कैप्चर द सिटीज और कैप्चर द डायनेस्टीज। तो यहाँ पर झांसी और संबलपुर करेक्ट है, सतारा बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर ये भी करेक्ट है और उपरोक्त में से सभी। तो चूंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन मैंने करेक्ट बोले तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फोर्थ या आंसर नंबर डी जो है वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू आपका झांसी संबलपुर सतारा जयपुर इन सारी डायनेस्टीज को आपके ब्रिटिश एम्पायर में डिसॉल्व कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि किसने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली या स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो किसने शुरू किया था, वो किसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। लॉर्ड कॉर्नवॉलिस जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म शुरू किया था उन्होंने ही आपका परमानेंट लैंड सिस्टम या कहिए जमींदारी सिस्टम जो है वो आपके कॉर्नवॉलिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये सिस्टम क्या था, तो दिस सिस्टम स्टेट दैट एग्रीमेंट बिटवीन, ये सिस्टम एक तरह का एग्रीमेंट था किस किस के बीच का, तो आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ठीक है उसका और जितने भी जो बंगाली लैंडलॉर्ड थे उनके बीच का एक तरह का एग्रीमेंट था जिससे कि जो रेवेन्यू सिस्टम है वो फिक्स किया जाए जो भी लैंड से जनरेट हो रहा है। तो उस तरह के एग्रीमेंट को लाने वाले कौन थे, कॉर्नवॉलिस थे। साथ ही साथ याद रखोगे कि पुलिस रिफॉर्म कौन लाया, तो भी कॉर्नवॉलिस ही लाए थे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया. आपके अंग्रेजों के समय में कौन सा वो ईयर, कौन सा वो वर्ष साल था जिस समय पर आपके गवर्नर जनरल की पोस्ट या उसके ऑफिस को डिजाइन किया गया, क्रिएट किया गया. यानी कि सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल का ऑफिस किस वर्ष किस ईयर से शुरू हुआ था. तो आपका 1773 यानी कि 1773 वाले ईयर से आपके गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो स्टार्ट कर दी गई थी. अब जैसे ही 1773 का ईयर आता है तो एक बात शायद आपके माइंड में क्लिक कर जाती होगी कि 1773 में देयर वाज अ फेमस एक्ट दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम 1773. तो इस अधिनियम के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू आपके गवर्नर जनरल के ऑफिस को फाइनलाइज किया गया. और याद रखो ये वही एक्ट था जिसके द्वारा भारत में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वेल क्वेश्चन पे आया तो क्लियर होगा काफी कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को मैंडेटरी किया या कहिए इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया. तो आपके जो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होगा वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आपके 1835 के टाइम पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आपकी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन सिस्टम के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश भारत के बाबर के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि हु इज नोन एज द बाबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया. बाबर यानी कि अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश साम्राज्य का बाबर कौन कहलाता है अपने आप. तो आंसर होगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश इंडिया का बाबर कहा जाता है. अगर हम यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे हैं, तो याद रखिए कि वो आपके फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे. यानी कि बंगाल के पहले और आखिरी गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव रहे. साथ ही साथ वो दो बार आपके बंगाल के गवर्नर की लिस्ट में आए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट क्लाइव लेकर आए थे. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग मेकर ऑफ बंगाल. इन्हें आपके बंगाल का किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक है. बट एक थोड़ा सा डिमेरिट है रॉबर्ट क्लाइव के लिए, वो ये कि रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से इंग्लैंड वापस लौटे थे तो 1772 में इन्होंने सुसाइड कमिट किया था, ठीक है. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था रॉबर्ट क्लाइव के लिए. और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु इज द अकबर ऑफ इंडिया. जैसे आपने पढ़ा कि हु इज द बाबर ऑफ इंडिया, ऐसे ही जानते हैं अकबर ऑफ इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर. अकबर क्यों फेमस था? अकबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन की वजह से फेमस था. यानी कि यहाँ पर कोई एक ऐसा लॉर्ड गवर्नर जनरल था जिसका एडमिनिस्ट्रेशन उस समय बहुत अच्छा था. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा लॉर्ड विलेज अली. लॉर्ड विलेज अली अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे फेमस रहे क्योंकि जो सब्सिडरी अलायंसेस थे, वो सब्सिडरी अलायंसेस का जो पॉलिसी था वो लॉर्ड विलेज अली लेकर आए थे. तो यहाँ पर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड विलेज अली. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायसराय स्टार्टेड फर्स्ट सेंसस इन इंडिया. यानी कि आपके 1871 के टाइम पे जो पहली जनगणना की गई थी सबसे पहले, वो किस वायसराय ने शुरू करी थी? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मेयो. यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो 1831 का जो पहला सेंसस था वो आपके इन लॉर्ड यानी कि लॉर्ड मेयो के टाइम पर किया गया था. लॉर्ड मेयो एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या करी गई थी उन्हीं के ऑफिस में. ही वॉज किल्ड इन हिज ऑफिस ओनली. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग हूज टेन्योर वॉज INC फॉर्म. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि 1885 के टाइम पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस स्थापना के टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा लॉर्ड लेंसडाउन. तो लॉर्ड लेंसडाउन जो थे उनके समय में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया गया था.
एक और बात याद रखिएगा कि आपका जो ड्यूरेंट कमीशन था, ठीक है, जो ड्यूरेंट लाइन आपने सुनी होगी, वो ड्यूरेंट कमीशन भी लेंसडाउन के टाइम पर ही अपॉइंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय पास द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 एंड पुट इंडिया ऑन अ गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कि निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक पर रखा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड कर्जन। वैसे भी जब लॉर्ड कर्जन का नाम आता है तो दो टर्म आपके माइंड में बहुत अच्छे से आते होंगे। एक तो बंगाल डिवीजन, यानी कि बंगाल विभाजन, जो 1905 का बंगाल विभाजन था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था, आप याद रखोगे। दूसरी चीज आप याद रखोगे, जो स्वदेशी मूवमेंट था, वो स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च जो हुई थी वो आपके लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है, जो भी फैक्ट्स हम बता रहे हैं उसमें उनसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, तो उसको भी माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग विच वायसराय्स टेन्योर डिड महात्मा गांधी कम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग ही वो गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम पे आपके जो जॉर्ज फिफ्थ थे, ब्रिटेन के राजा, है ना, जॉर्ज फिफ्थ ने 1911 का जो दिल्ली दरबार था, उस दिल्ली दरबार वाली पार्टी को अटेंड इन्हीं के टाइम पे किया था। 1911 में और क्या क्या हुआ? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, कैपिटल शिफ्ट। पूरे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी जो कैपिटल शिफ्ट करी थी वो 1911 में ही करी थी। कहाँ से कहाँ? कलकत्ता से दिल्ली की तरफ। तीसरा, आपके गांधी जी यहाँ साउथ अफ्रीका से लौटे थे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, और एनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट चलाया था वो भी आपके लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर ही चलाया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया। आपके 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया, उस साइमन कमीशन के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो 1928 के टाइम पे लॉर्ड इरविन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉर्ड इरविन के टाइम पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे साइमन कमीशन भारत आया, आपकी जो डांडी मार्च है, ठीक है, वो डांडी मार्च के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। 1930 में गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रीस्टार्ट किया था उसके टाइम पर भी ये थे लॉर्ड इरविन, उस समय वायसराय थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट हुआ था तो भी आपके लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। तो ये इंसिडेंट्स जो बताए हैं इनको भी माइंड में रखिएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, या कहिए क्वेश्चन से ही जब आप ऑप्शन भी डिस्कस करने लगते हो तो आपको और भी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और गवर्नर जनरल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप क्वेश्चन लगाएं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू आप पर्टिकुलर गवर्नर जनरल याद करने बैठे, क्योंकि पर्टिकुलर गवर्नर जनरल याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और आपको एक एक चीज याद करने में भी काफी ज्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज हो जाती है। तो क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन में ही चीजों को ऐड करते जाइए ईयर के साथ, ठीक है, तो इससे आपका गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है वो काफी परफेक्टली तैयार हो जाएगा। सो ये थे आपके वायसराय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक यू।